हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्टूडेंट पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 इयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हजारों बच्चों को आईआईटी एंड डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद यू नो फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, पिछली क्लास हम लोग बहुत ही एक शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ाई कर लिया होगा, क्योंकि उसके ऊपर इस संडे को टेस्ट में क्वेश्चंस आने वाले हैं। संडे को हम लोग कंबाइंड टेस्ट ले रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सो डियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आइंस्टीन साहब ने कैसे एक्सप्लेन किया था, है ना, लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को मानते हुए, और किस तरह से उन्होंने चीज़ों को जस्टिफाई किया कि 1/1 कोलिजन होता है, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपने सारा सवाल ट्राई कर लिया है ना। मैंने आपको बोला था DAP 2 देने के लिए, लेकिन जब मैं घर जाके देखा तो DAP 1 में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया हुआ था, तो मुझे लगा कि ये तो इसी में पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है बच्चों, अब जरा हम लोग पहले इस पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। मैं आपके लिए कुछ सवाल लेके आया हूँ NCERT से और फिर हम लोग पढ़ाई करते हैं। ओके, तो ये मैं सीधे NCERT उठा लिया और उसके दो क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ और आप ट्राई करिए, मैं टाइमर ऑन कर दूंगा। ये क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि अगर देर इज अ क्वेश्चन, इसमें दिया है प्रॉब्लम नंबर 2.9। आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। इट हैज़ बीन गिवन दैट द थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ मेटल, एक मेटल है बच्चों, उसका थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी हमको दिया हुआ है, इट इज 7.0 × 10^14 पर सेकेंड। ये हमको थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमको। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी 1.0 × 10^15 पर सेकेंड, 10^15 पर सेकेंड इसके ऊपर मारा जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, हिट द मेटल। बच्चों सवाल है आपका कि एक मेटल है, उसका थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, आपको काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का बताना है अगर उसके ऊपर इस फ्रिक्वेंसी की लाइट को हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो। जल्दी से कोशिश करिए आप लोग। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो हम लोग करते क्या है बच्चों, सी हमको, हमने इस लाइट को डाला, आपको पता है ना कि एनर्जी कितनी होगी, h nu, और इतना तो खर्च हो गया निकलने में, −h nu0, एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये हमसे पूछा गया है बच्चों। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा गया तो इट विल बी द आंसर। अगर काइनेटिक एनर्जी ना पूछ के बच्चों वेलोसिटी पूछ लेता, देन ½mv² एंड फ्रॉम हियर वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय पुटिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। नाउ h, यू नो 6. वी नो अबाउट h, 6.626 × 10^-34 joule/s, इट्स अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ओके, सो वी नो अबाउट एच, न्यू वैल्यू हैज बीन गिवन टू एस, न्यू नॉट हैज बीन गिवन टू एस, एंड बाय सॉल्विंग दिस द आंसर इज गिवन हियर 1.9, आंसर इज 1.988 × 10^-19 joule, 10^-19 joule। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं इतना कोशिश इस पर इसलिए कर रहा हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पूछे जाते हैं, ग्राफ से पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये चार नंबर आपको JEE में, नीट में दे के जाएगा। ओके नाउ, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आप लोग, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये सवाल है कि एक क्वेश्चन 2.7 फ्रॉम NCERT, एंड क्वेश्चन इज दैट 100 watt बल्ब, अ बल्ब विच इज 100 watt कैपेसिटी, 100 watt बल्ब है बच्चों, एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। यू नो व्हाट वी मीन बाई मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्रोमा मीन्स कलर, कलर मतलब वेवलेंथ, मोनो मीन्स वन।
तो एक ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ है, सुनो आज हम इसके ऊपर बहुत डिस्कशन करने वाले हैं आपसे डिटेल में कि वेवलेंथ क्या मतलब होता है। बहुत सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें और देखेंगे। तो एक लाइट है बच्चों जो मोनोक्रोमेटिक है, इसमें सिर्फ एक वेवलेंथ है और उस वेवलेंथ की वैल्यू दिया हमको 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, यू हैव टू आंसर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। कह रहा है एक बल्ब है विच इज ऑफ 100 वॉट कैपेसिटी एंड विच एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस वन, मतलब एक बल्ब से लाइट निकल रही है और उस लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। ओके तो आपको बताना है कि एक सेकेंड में ऐसी कितनी वेवलेंथ निकलेंगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने पार्टिकल्स निकलेंगे। ओके आंसर, मैंने इस तरह का सवाल आपको पिछली क्लास में कराया था और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं एनसीईआरटी को चाहता हूँ कि एनसीईआरटी तो सब लोग करें ही करें, प्लस आईआईटी एडवांस के सवाल करें, जेई मेन करें, नीट के करें, एम से करें, बट एनसीईआरटी तो करना ही है, इसको रेफरेंस मान के बाकी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। एडवांस लेवल तक जाना हमको, जेड लेवल तक, जस्ट ट्राई करो बच्चों। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते हैं क्या करना हमको। एक फोटॉन की एनर्जी निकाल लें, एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी बच्चों, hc/λ, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। और टोटल एनर्जी, अच्छा आपको पावर तो पता ही है 100 वाट, 100 वाट को अगर थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करें, इट इज 100 जूल पर सेकेंड, मतलब उस बल्ब से एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी निकलती है, उस बल्ब से एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी निकलती है। एंड एक फोटोन की इतनी एनर्जी है तो एक सेकेंड में कितने 100 जूल एनर्जी देता है, और एनर्जी किससे देता है, वेवलेंथ, इस वाली वेवलेंथ से, वेवलेंथ मतलब एनर्जी, जिसको मैंने डिवाइड कर दिया hc/λ से। तो एक वेवलेंथ की इतनी एनर्जी है एक से, हाँ, और एक सेकंड में इतनी एनर्जी चाहिए, तो कुल कितने निकलेंगे, इसको एन से नंबर निकल जाएगा। ओके बच्चों, एंड द आंसर इज, यू नो अप्रोक्सीमेटली जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2.012 × 10^20 s, 2.012 × 10^20 s, 10^20 s। ओके चलिए नेक्स्ट कंटेंट पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। जरा हम लोग पीछे से याद करते हैं चीज़ों को। सोचो एक ऐसा व्यक्ति है, कुछ कहानियों के साथ में एक ऐसा व्यक्ति है कि उसको कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत ही गंदा इंसान है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इंसान है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं देखा कि अकेले रात में जा रहा था, कुछ लोग बाहर सोए हुए थे, ठंडी लग रही थी, उनको उसने कंबल उढ़ाया, उनको खाना खिलाया, और कुछ लोग कह रहे हैं अरे बहुत ही गंदा है वो, तो ये मतलब दोनों कैसे हो सकता है, बड़ा अजीब है ना, कन्फ्यूजिंग है ना बहुत। ऐसी लाइट की प्रॉपर्टी है बच्चों, लाइट को लेके बड़ा अजीब था। लाइट को सबसे पहले न्यूटन साहब के, पहले तो लाइट को लोग जो है ना वेव मानते थे, कब की बात कर रहे हैं, बहुत पहले, कि लाइट वेव है। बाद में न्यूटन साहब ने अपने टाइम में कहा कि लाइट इज़ अ पार्टिकल, और उसके पार्टिकल को क्या बोला उन्होंने, कोपासेल, है ना, लाइट के पार्टिकल को न्यूटन साहब ने कहा कोपासेल, COR PUSCLE, प्रोनाउंस एज कोपासेल। तो न्यूटन साहब ने, इसका मतलब ही होता है स्मॉल पार्टिकल, है ना, इसका मतलब है स्मॉल पार्टिकल। ओके तो न्यूटन साहब के पहले लोग लाइट को वेव मानते थे, और जानते हो न्यूटन साहब हमेशा यू नो कुछ नया ही सोचते थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं लाइट तो पार्टिकल है। उसके बाद में कुछ ऐसे गुण हैं, मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति जिसको आप अच्छा बोल रहे हो, अच्छा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपने कभी देखा कि अरे वो अकेले में जा रहा था और वहाँ लोग भूखे लोग रात को सो रहे हैं, तो उसने उनको खाना खिलाया, उन जाड़े के मौसम था तो उनको कंबल उम्बल उड़ा दिया, उनका हाल चाल पूछा। तो यू नो द काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन यू हैड जो आपने देखा था या देखा है, ऑन दैट बिहाफ यू आर सेइंग कि ही इज अ गुड मैन। सिमिलरली अब लाइट जो करेक्टरिस्टिक को शो करेगा हम उसको बोलते हैं बच्चों। तो कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो वेव की होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज को लाइट शो करता है, सही शो करता है, इसमें लाइट वेव है।
एट द सेम टाइम हमने अभी लास्ट दो क्लासेस से पढ़ा बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों को प्रूफ करने के लिए हमको लाइट को पार्टिकल यूज करना पड़ रहा है। और ये भी कोई ऐरे गहरे नहीं किए भाई, एक तो मैक्स प्लैंक साहब ने यूज किया और एक सीते आइंस्टीन साहब ने यूज किया। तो इन लोगों ने लाइट को पार्टिकल माना, अगर पार्टिकल न मानते तो न तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जस्टिफाई हो रहा था न ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब लाइट पार्टिकल है। और कुछ बातें जो मैं वेव की आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ब्लेड देखे होंगे जिसमें स्मॉल ओपनिंग होती है, या कोई भी जगह जहाँ पे, या अपने घर में खिड़की उड़की में कहीं सुराग आपको दिखे और सूरज की रोशनी आती हो वहाँ से निकलती हो, तो आप देखेंगे तो उस सुराग से निकलने पर बहुत पतली फाइन, यू नो, फाइन शीट हो, वो पतली शीट हो, तो वेरी फाइन ओपनिंग, फाइन मतलब पतला, उससे निकलने पर लाइट स्कैटर्ड कर जाता है, छितरा जाता है, यू नो, फैल जाता है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट्स, बेंडिंग ऑफ लाइट का बेंड होना इन, यू नो फाइन ओपनिंग, बहुत ही पतली ओपनिंग में, फाइन स्लिट, स्लिट मतलब कट, बहुत ही पतले शीट में, कहते हैं ना ब्लेड को लो तो बीच में थोड़ा जो पतला जगह होता है ना, ऐसे ऐसे कोई ब्लेड हो, ब्लेड है बच्चों, और उसके ऐसे यहाँ पे बीच में कोई पतला जगह हो ऐसे, तो इसमें जब लाइट निकलेगा ना छिदरा जाता है, यू नो, दिस कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिफ्रैक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डिफ्रैक्शन, ओके। इस डिफ्रैक्शन को जो प्रूफ करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो वेव होगा, और लाइट में हमें डिफ्रैक्शन दिखाई पड़ता है। इसमें लाइट क्या हुआ बच्चों? वेव हुआ, तो लाइट डिफ्रैक्शन प्रूफ करता है। और डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट इन शार्प एजेज, शार्प एजेज में लाइट का बेंड होना, इट इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन, जैसे मैंने ब्लेड का एग्जाम्पल दिया। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी बच्चों, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग सिंपल 2+2 जोड़ते हैं मैथमेटिक्स से, वैल्यू कितनी आती है बच्चों? 4, वैल्यू कम्स आउट टू बी 4, बट वैल्यू कम्स आउट टू बी 4, बट यू नो बच्चों, अगर इंटरफेरेंस, अगर ये वेव होता है, ये बातें 2+2 इज इक्वल टू 4 तभी होंगी जब वो पार्टिकल होगा। क्या होगा? पार्टिकल होगा। अगर वेव होता है तो 2+2 की वैल्यू -4 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और +4 भी हो सकती है, या फिर इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, मतलब दो लाइट मिलती हैं या 2+2 की वैल्यू मिलती है, तो उनके मिलने से अगर वो पार्टिकल है तो इट दैट विल बी 4, बट अगर वो वेव होगा तो इसकी वैल्यू -4 से लेके +4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अभी क्यों हो सकता है इसको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, या फिर आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो इस क्वालिटी को हम बोलते हैं जो करेगा वो वेव होगा, लाइट में पाया गया। ऐसे फिजिक्स के बहुत महान विद्वानों ने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें बहुत फेमस नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि इन पर्दे पर जो है दो लाइट को मिलाया जा रहा है, तो स्क्रीन पर कहीं लाइट चमचमा के आ गया, कहीं डार्क हो गया। चमचमा के आ गया मतलब दोनों जुड़ के +4 हो गया, डार्क हो गया मतलब 0 हो गया, और उसका उल्टा हो गया -4 हो गया, यू नो। So there will be variation. Light इस गुण को शो करता है, और ये यंग साहब ने प्रूफ किया, ये बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया। मतलब लाइट डिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर रहा है बच्चों, इंटरफेरेंस को भी प्रूफ कर रहा है, और वेव के बहुत सारे गुणों को प्रूफ कर रहा है। इसका मतलब लाइट क्या है बच्चों? वेव है। इसमें लाइट इज ए वेव, ये प्रूफ हो गया। अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग अगर प्रूफ करते हैं तो इससे मालूम चलता है लाइट क्या है? पार्टिकल है। उसी समय से लोगों के दिमाग में बात ट्रिगर करना शुरू हो गया, ये आना शुरू किया, ऐसा तो नहीं कि लाइट में दोनों गुण हैं, लेकिन एक बात समझो आप, ये सभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बातें हो रही हैं। देयर वर नो थियोरी, उसमें ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को आइडिया नहीं लग रहा था, बस ये कि अब उसको प्रूफ करना है, उसी से प्रूफ ही हो रहा है, इसको प्रूफ करना है, उसी से प्रूफ ही हो रहा है। जिस बच्चे को लोग गांव में बोल रहे हैं बहुत गधा है, जिस लड़की को बोल रहे हैं जिंदगी में कुछ नहीं करेगी, अब वो पूरी दुनिया में धमाल मचा दी, तो उनकी थ्योरी फेल हो गई भाई, अब उनको समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट ये हो चुका है। तो वैसे लाइट पार्टिकल और वेव दोनों जस्टिफाई हो रहा है। अब वैज्ञानिकों को बात समझ में आ नहीं रही है, कुछ लोग कहना शुरू किए इसका मतलब लाइट में दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, लाइट पोसेस ड्यूअल कैरेक्टर, ड्यूअल मतलब दो, एंड दो मतलब पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर। तो बच्चों लाइट को जो है लोगों ने फिर कहना शुरू किया कि लाइट जो है वेव
एंड पार्टिकल, लाइट जो है वेव एंड पार्टिकल दोनों करेक्टर को प्रोसेस करता है, राइट, वेव एंड पार्टिकल. नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि देन व्हेन वी वर एक्सपेरिमेंटिंग यू नो डिफ्रैक्शन, सो व्हाई वी नॉट गेटिंग यू नो पार्टिकल बिहेवियर. जब हम डिफ्रैक्शन कर रहे थे तो हमें पार्टिकल बिहेवियर क्यों नहीं मिला, और व्हेन वी वर सीइंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो हमें उसमें वेव बिहेवियर क्यों नहीं मिला. ये एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि जब हम लोग वेव कर रहे हैं तो वेव दिखाई पड़ रहा है, पार्टिकल कर रहे हैं तो पार्टिकल दिखाई पड़ रहा है, जब हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर रहे हैं तो पार्टिकल दिखाई पड़ रहा है, जब हम लोग डिफ्रैक्शन कर रहे हैं तो वेव दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्यों? ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के समय वेव क्यों नहीं, डिफ्रैक्शन के समय पार्टिकल क्यों नहीं, ये बात उन दिनों कोई साइंटिस्ट समझा नहीं पा रहा था, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था. और ये बातें आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, राइट. अभी मैं आपको बच्चों बताऊंगा क्वांटम और क्लासिकल के विषय में, तो आप उछल पड़ोगे, इतना मजेदार है यार, वंडरफुल है. बट ये कंटेंट हम लोग अगली क्लासेस में लेंगे, ओके बच्चों. नाउ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके पहले की चीज. अभी मैंने आपको बताया कि पार्टिकल बिहेवियर, वेव बिहेवियर, ड्यूअल बिहेवियर को मैं समझा, और हमने ये समझा कि कुछ प्रॉब्लम रह गया. ये बातें मैंने आपसे इसलिए किया, इन्हीं सारी बातों का यूज करके अब नील बोर साहब एक नया मॉडल देने की सोच रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल. कुछ और बातें थी जो नील बोर साहब को ट्रिगर कर रही थी बच्चों, और उस बात का नाम है स्पेक्ट्रम. तो आज मैं आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाने जा रहा हूं. स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा क्रांति है. मैं आपको पढ़ाने के पहले बताऊं, स्पेक्ट्रोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोप ये एक बड़ा फील्ड है केमिस्ट्री का. इसके बिहाफ पर बहुत कीर्तिमान स्थापित किया गया, बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स की खोज किया गया. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ बिग फील्ड, यू नो ये बहुत एडवांस फील्ड है. उन दिनों इसकी शुरुआत हो रही थी, वैज्ञानिक देख रहे थे कि ये तो बड़ा गजब चीज़ है. और इन सारी बातों ने ट्रिगर किया नील बोर साहब को नए मॉडल देने के लिए, उनको समझाया, उनको बेस दिया. नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज, व्हाट इज स्पेक्ट्रम. हम देखते हैं स्पेक्ट्रम है क्या चीज़ बच्चों. लेट्स सी स्पेक्ट्रम क्या होता है. पहली बात तो ये भूत नहीं है, आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है. स्पेक्ट्रम हम लोग बचपन से बात करते आ रहे हैं कि इंद्रधनुष बन जाता है वो स्पेक्ट्रम है, है ना. तो इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम है. स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा एग्जांपल है इंद्रधनुष, है ना, जो रेनबो अपने देखते हैं बारिश उरिश टाइम में, या यू नो धूल उलग होते हैं वातावरण में और डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस बहुत से फिनोमेना होती है. तो जो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है रेनबो हम लोगों को, दैट इज एन ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ स्पेक्ट्रम. कोई पूछे आपसे स्पेक्ट्रम क्या होता है तो आप सिर्फ ये बोलोगे, बहुत गौर सुनो और आपको समझ आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का में बहुत सारी वेवलेंथ होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पहचान उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से होता है. ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ. तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया जाए तो हमें जो अरेंजमेंट मिलेगा, जो सीरीज मिलेगा, जो पैटर्न मिलेगा, दैट पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ओके, ब्यूटीफुल ना. क्या स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम एक अरेंजमेंट है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में. ओके, सो हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम इज अरेंजमेंट, स्पेक्ट्रम इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है बच्चों आपको, मैंने आपको मैक्सवेल थ्योरी पढ़ाया हुआ है, या जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाया तो पीछे लेक्चर्स जाकर देख लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पहचान का आइडेंटिफिकेशन के वेवलेंथ की वैल्यू से होती है. सो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के तो जो पैटर्न मिलता है दैट पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ओके, तो अब अगर अपने रेनबो की बात करते हैं बच्चों, तो रेनबो में आपको याद होगा विब ग्योर. ओके, सो ये क्या है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो दिस इज एन स्पेक्ट्रम, ये एक स्पेक्ट्रम है. बट यही स्पेक्ट्रम है ये गलत है, यू नो इसके पहले वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट,
उसके पहले गामा रेज, उसके पहले कॉस्मिक रेज, या उसके बाद इंफ्रा रेड, फार इंफ्रा रेड, माइक्रो रेडियो, यू नो वी नो वी हैव सीन, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, दिस होल पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्पेक्ट्रम क्या करने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेट्स सी इट। सो मुझे उम्मीद है आपको स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी मैं भूमिका बना रहा हूँ ताकि आपको बोर साहब के मन में क्या बातें आई और क्यों आई आपको समझ में आना शुरू हो जाए। तो स्पेक्ट्रम बच्चों पैटर्न के आधार पर दो टाइप का होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। सो ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न हम जब भी डिवीजन करते हैं ना तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों डिवीजन कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, राइट। तो पैटर्न के बिहाफ पर स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है बच्चों, वन इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड सेकंड वन इज ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, वन इज कंटिन्यूअस एंड वन इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो वन बाई वन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि वट आई मीन बाई कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। आप इतने कूल माइंड से सीखो कि आपको समझ में आ जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा चीज़ है ये स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोग्राफ, मतलब पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसके बिहाफ पर बहुत सारे एलिमेंट खोज किया जाता है। जब आई आई टी आप सब पढ़ा लोगे, एम्स कर लोगे, बाद में 10 साल बाद इस पे काम करना जाता है, बहुत बड़ा चीज है ये, है ना, लोग इस पे लाइफ डिवोट करते हैं। बाय द वे तो व्हाट वी मीन बाय कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये देख लेते हैं बच्चों कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता क्या चीज है। चलिए तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों, अगर मैं अरेंजमेंट करूं, अच्छा मैं दिखाई क्या पड़ता है, विजिबल रेंज, है ना। तो जब भी मैं इसको पढ़ाने के पहले आपको एक नोट बता देता हूं, नोट मतलब ध्यान देना आपको, एक आइडिया और यू कैन से कॉन्सेप्ट। जब भी मैं कहीं कोई लाइन खींचूंगा, लाइन की बात करूंगा, अभी स्पेक्ट्रम में लाइन यूज करेंगे, तो लाइन मतलब वेवलेंथ की एक वैल्यू, ओके। हम लोग यू नो मैंने कहा ना कि जब हम लोग इसे विब ग्योर लिखा, सो वी विल से कि ये डिफरेंट लाइन्स हैं, ये लाइन्स हैं। और आपको पता है, मैं बताऊं कि ये पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, लैम्डा वन को। लेकिन आपको ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा टू को। लेकिन बताऊं जो वायलेट है उसमें सिर्फ एक वेवलेंथ नहीं होता है, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ होती है, उसका रेंज होता है कि यहां से यहां तक वायलेट दिखाई पड़ेगा, यू नो। इसका भी एक प्रिंसिपल है, वो अभी डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। बट तो उसमें से किसी एक की वैल्यू को लैम्डा वन बोल रहे हैं। लैम्डा वन इज अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पर्टिकुलर एक को। लेकिन वायलेट में बहुत सारा होगा, इंडिगो में बहुत सारा होगा, ब्लू में बहुत सारा होगा, इसमें बहुत सारी लाइन्स होंगी। लाइन्स मतलब वेवलेंथ, ओके, समझ गए आप, इसमें बहुत सारी लाइन्स होंगी, ओके। तो लाइन्स मतलब जब भी लाइन बोला जाए क्या बोलोगे आप, वेवलेंथ। और वेवलेंथ मतलब जहाँ वेवलेंथ होगा वहाँ फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, तो लाइन मतलब वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी, वी नो द रिलेशनशिप। और जहाँ वेवलेंथ होगा वहीं पर क्या है बच्चों, एनर्जी हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें आपको आगे समझाने में मदद करेंगी। जहां भी वेवलेंथ होगा लाइन होगी, लाइन मतलब वेवलेंथ। और एक बात समझना, एक पर्टिकुलर कलर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की नहीं होती, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ होती है। बहुत सारी में किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हो, ये हो सकता है, राइट। तो लाइन मतलब वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी, उसका मतलब हुआ एनर्जी। क्लियर बच्चों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो नोट मैंने क्या बताया कि मैं लाइन बोलूँगा तो आप वेवलेंथ समझोगे या फ्रिक्वेंसी समझोगे या एनर्जी समझोगे, और उसको अलग अलग डिस्क्रीट लाइन से शो करते हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। अगर मैं स्पेक्ट्रम बनाऊं बच्चों, सपोज करो ये मेरा स्क्रीन है और इस पर मैं वेवलेंथ बनाऊँ अलग अलग कलर्स का। मैं कलर्स का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि कलर हमको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कलर ही होते हैं, ऐसी भी चीज़ें जो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, लोग जानते इन बातों को। अगर बच्चों एक स्पेक्ट्रम हुआ, देखो ये इस रंग का, ये देखो इस रंग का हुआ स्पेक्ट्रम, ओके, पूरा भरा हुआ है। दूसरा स्पेक्ट्रम हुआ, मान लो मैंने ये येलो कलर ले लिया, और यहाँ तक येलो कलर है बच्चों, पूरा येलो भरा हुआ है, मतलब ये ख़त्म हुआ और येलो शुरू हो गया ऐसे लाइन से। तीसरा हमने लिया बच्चों कोई दूसरा कलर ले लिया, वो यहाँ शुरू हो गया, ओके, ऐसे शुरू हो गया, ओके। चौथा क्या हुआ, मैंने कुछ दूसरा ब्लू कलर ले लिया, वो यहाँ देखो ब्लू शुरू हो गया ऐसे,
तो आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर एक दो तीन चार फोर कलर्स का हमने लिया है अरेंजमेंट। ये एक स्पेक्ट्रम है, ये हो सकता है बच्चों बहुत ध्यान समझना, इनकी देखो इनकी जो बाउंड्री है उसके बीच में कोई गैप है क्या? नो गैप। यहाँ कोई गैप है क्या? नो गैप। यहाँ कोई गैप है क्या? नो गैप। मैं दूसरा ड्रॉ करता हूँ तो हम लोग जल्दी से कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा यहाँ पर स्पेक्ट्रम लूँ, ये स्क्रीन है बच्चों, उस स्क्रीन पर हमको स्पेक्ट्रम मिला, स्पेक्ट्रम कैसे मिला वो मैं डिस्कस करूँगा बाद में, और ये मिला और यहाँ गैप हो गया, ये मिला और ये गैप हो गया, मैं दिखाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये मिला और ये गैप हो गया। अगर मैं इन्हीं सभी कलर्स को लूँ बच्चों, यहाँ देखो हमको ये कलर मिला, ऐसे कलर मिला और ये बीच में गैप हो गया, फिर मुझे यहाँ पर येलो मिला और ये बीच में गैप हो गया। समझ रहे हो आप लोग? बड़े आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास भी नहीं होनी चाहिए, समझने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। समझ गए तो मामला क्लियर हो गया, एक बार समझ गए तो लाइफ टाइम के लिए है ये। देखो ये नेक्स्ट वन इज़ यू नो मुझे लगा कि मैं अपने खुद से ज़्यादा अच्छा समझा पाऊँगा इसलिए मैंने आज के लिए स्लाइड नहीं बनवाया। देखो बच्चों आप देख सकते हो, मैं आपको बताऊँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर बीच में गायब है, गैप है, कुछ नहीं है, यहाँ ब्लैक था, देखो ब्लैक है यहाँ पर, यहाँ ब्लैक है, यहाँ भी ब्लैक था, यहाँ तो बीच में गायब है, तो गायब मतलब मिसिंग लाइन है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ गायब हो गया, तो इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ऐसा स्पेक्ट्रम बच्चों जिसमें गायब न हो, नो मिसिंग बैंड। तो कोई पूछे कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा, बोलोगे नो मिसिंग वेवलेंथ, नो मिसिंग वेवलेंथ, कोई वेवलेंथ मिस नहीं कर रहा हो, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बट अगर मिस कर रहा हो बीच में, यू कैन सी बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे मिसिंग वेवलेंथ है बच्चों, मिस कर रहा है। इफ वी हैव मिसिंग वेवलेंथ, तो अगर वहाँ वेवलेंथ मिस कर रहा है, मिसिंग वेवलेंथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, इट्स ऑल अबाउट पैटर्न जो हमको मिलता है, तो पैटर्न के आधार पे हम लोग, ये कहाँ मिलता है, हमें मिलता है स्क्रीन पर, क्यों मिलता है वो बताने वाला हूँ। तो अगर हम लोग को वेवलेंथ का अरेंजमेंट किया, हमें पैटर्न मिला और उसमें कहीं कोई गैप नहीं है, किस कॉन्टिन्यूअस गैप है तो डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके, नाउ अब ये बच्चों कब मिलता है और कब नहीं मिलेगा, तो देखो अगर हम लोग सूरज की लाइट को यूज करें, पहले मिलता कैसे एक बार ये समझ लो आप। तो एक लाइट की प्रॉपर्टी है बच्चों रिफ्रैक्शन, ये भी इसके वेव गुण को शो करता है, रिफ्रैक्शन ये इसके वेव कैरेक्टरिस्टिक को प्रूफ करता है। लाइट बच्चे प्रिज्म लिया हमने, प्रिज्म तो आपने लेबोरेटरी में देखा ही होगा। अब प्रिज्म से लाइट को हम पास करते हैं, लाइट कहाँ से लेते हैं बच्चों, यहाँ कोई सोर्स है सूरज, सन ठीक है, यहाँ हमने स्लिट लगा दिया, अब इस स्लिट से लाइट को हम पास कर रहे हैं इसे। ओके, इस स्लिट से लाइट को पास कर रहे हैं, इससे स्लिट है बच्चों, इस स्लिट से हम लोग लाइट को पास कर रहे हैं। ओके, अब ये लाइट यहाँ पर आई, ये लाइट सूरज की रोशनी कैसी होती है बच्चों, सूरज की रोशनी वाइट होती है, ये वाइट लाइट है। ओके, वो यहाँ पर गई, या मैं इस प्रिज्म को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, इस प्रिज्म को थोड़ा सा मैं ऐसे ऊपर कर देता हूँ। ओके, तो एक फिनोमिना है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्शन। जैसे आपने अगर बाल्टी में पेंसिल को डाला होगा तो पेंसिल जो सीधी है बाल्टी में आपको टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्यों आपको कोई चीज़ दिखाई क्यों पड़ता है, प्रकाश की वजह से, लाइट की वजह से, लाइट ना रहे तो पेंसिल दिखाई नहीं पड़ेगी, अगर लाइट ना रहे तो पेंसिल दिखाई नहीं पड़ेगी, दिखाई क्यों पड़ रही है, लाइट की वजह से। तो वो लाइट जो इसमें जा रही है, लाइट इसमें बेंड कर जाती है, बेंड क्यों करती है बच्चों, मीडियम चेंज होने की वजह से, मीडियम चेंज होने की वजह से बेंड कर जाती है। भाई अगर हम दौड़ रहे हों, अगर बालू मतलब रोड पर जा रहे हों, किनारे बालू है ना, सैंड हो, तो जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन अपने प्लेन रोड पर दौड़ सकते हैं, क्या उसी स्पीड से उसी तरीके से अपने बालू पर दौड़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मीडियम चेंज किया तो हमारी, क्योंकि उनको फ्रिक्शन कॉज करता है, वैसे ही लाइट के साथ होता है बच्चों। तो पानी इज़ द डेंसर मीडियम, तो दो अलग अलग मीडियम में जाएगा अगर पानी तो उसका, सॉरी लाइट, तो उसका डायरेक्शन चेंज कर जाता है। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट
कहते हैं कि लाइट मान लो पहले 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 देखो पहले लाइट ऐसे जा रहा था, अब मीडियम चेंज हुआ ऐसे चला गया, तो ये पहले ये डायरेक्शन था अब ये डायरेक्शन हुआ, तो ये जो हुआ बच्चों इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। लाइट का डिफ्लेक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी, बट साइंस के स्टूडेंट होने की वजह से आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है कि मीडियम चेंज हुआ। स्नेल्स रूल वगैरह दिया हुआ, फार्मूला वगैरह आप पादे पढ़ोगे इसको। तो बच्चों पेंसिल हमको टेढ़ी क्यों दिखती है पानी में? क्योंकि हमें पेंसिल दिखती ही क्यों है? लाइट की वजह से। तो लाइट इसमें जाके बेंड कर जाती है। जो लाइट यहाँ से आई थी वो यहाँ से नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आई है, तो पेंसिल हमको पानी में ऐसा दिखाई पड़ेगी। यस नो? वेरी गुड। तो बच्चों वैसे ही देखो, ये बाहर एयर है, ये प्रिज्म का अलग मीडियम है। जब इस मीडियम में लाइट आती है तो वो लाइट बेंड कर जाती है। बेंड करने में कुछ नियम है, वो नियम तो मुझे आपको नहीं पढ़ाने हैं, बट उसका यूज जरूर करना है। जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि लाइट अगर ऐसे जा रही है ऐसे मुड़ गई, तो ऐसे जा रही है और ऐसे मुड़ गई, तो इसके बीच में जो एंगल है इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बच्चों होता है तो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, सभी लोग बच्चों नोट कर लेना इस बात को, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसका डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी उसका डिफ्लेक्शन कम होगा। ओके, तो हम कहते हैं कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। समझ गए? आपको याद रहेगा बच्चों, ये आपको याद रहना चाहिए, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है ना बच्चों, विबग्योर की कहानी, विबग्योर, मैं इसको कई बार लिख दे रहा हूँ, इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बच्चों? घट रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? वायलेट की। सबसे कम रेड की। तो रेड में तो अभी बहुत ध्यान समझो, जैसे मैं कहूँ कि चार भाई हैं, चारों एक साथ रहते हैं, बड़े आपस में प्रेम व्यवहार है, सब लोग एक साथ रहते हैं घर में, और उनके माता पिताजी सब लोग समाज में ऐसे ही रहते हैं। लेकिन मान लो वो कहीं और जा रहे हैं, दूसरी जगह पर जा रहे हैं, चारों में एक जो है पढ़ने में विद्वान है, एक थोड़ा कम, एक थोड़ा कम, एक थोड़ा और कम, चारों किसी जगह से जा रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का माहौल है, तो डेफिनेटली जो पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे, आगे निकल जाएगा। जो पढ़ा लिखा कम होगा, महाभारत में देखा था आपने कि अर्जुन लड़ाई करते करते आगे निकल जा रहे थे, वहाँ पांचों पांडवों में दोस्त बहुत बहुत भाईचारा था, प्रेम मोहब्बत था, लेकिन वो अलग मीडियम में जाने पर अलग अलग हो गए। तो वैसे ही अभी जो ये एक साथ पूरी लाइट थी, जो ये वाइट लाइट थी, अब ये स्कैटर्ड कर जाएंगे, बिखर जाएंगे, छितरा जाएंगे, क्योंकि बच्चों अब देखो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, स्क्रीन, पर्दा, यहाँ हमने लगा दिया स्क्रीन जहाँ पर इसको ऑब्जर्व करने वाले हैं। जब ये सातों मिलते हैं तो वाइट दिखाई पड़ता है, जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो अपना अपना उनका गुण दिखाई पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि देखो ये लाइट ऐसे 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 जा रही थी, लेकिन बेंड करेगी, सबसे ज़्यादा कौन बेंड करेगी? वायलेट। तो वायलेट बच्चों यहाँ से बेंड करके यहाँ चली आएगी। ओके, उसके बाद इंडिगो, सबसे कम बेंड कौन करेगा बच्चों? रेड। रेड का बेंड सबसे कम होगा, तो रेड जो है मान लो यहाँ आ गया, तो रेड हो जाएगा और ये वायलेट हो गया, और इसके बीच में सब कुछ विबग्योर। ओके, बात मेरी समझ गए आप लोग? तो इस तरह से स्क्रीन पे आती है छितरा, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये स्पेक्ट्रम है। कोई पूछे स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, तो ये एक रीजन है उसका, रिफ्रैक्शन की वजह से। इस पूरे बिहेवियर क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग सनलाइट यूज़ करते हैं, सूरज को सोर्स के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ जो स्पेक्ट्रम मिलता है, यहाँ बीच में कोई मिसिंग वेवलेंथ नहीं आता, कोई गैप नहीं आता, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन है? इसमें कोई वेवलेंथ मिसिंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं बच्चों डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की, ये कब मिलेगा? ओके, तो अगर कोई वाइट कोई मीडियम, सपोज करो ये सैंपल है बच्चों, वो ध्यान रखना, अगर ये कोई सैंपल है, बहुत गौर समझो,
डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कब मिलेगा? सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, सारी चीज़ें हैं उसमें, कुछ भी डिसकंटिन्यूस नहीं है, मतलब सूप से लेके लास्ट के नो स्वीट तक सारी कुछ है ना, मीठे तक का। अब वो कई लोगों से होके जा रहा है, आज उसमें से कोई आइटम बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है, तो जब वो मतलब 7 लोग बैठे हैं उनसे होते हुए खाने की ट्रॉली आगे जा रही है, वो लोग उठा रहे हैं, तो उसमें शुरू में सारे आइटम्स थे, मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था, तो जब लोग उठा लेंगे, खा नहीं रहे हैं खाली उठा रहे हैं, खा नहीं रहे हैं खाली उठा रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बताऊँगा आपको। तो उठा लेंगे तो अब आगे जब वो जाएगा तो जो मिलेगा हमको उसमें सामान मिलेगा, कुछ चीज़ें गायब होंगी, मिसिंग होंगी। तो अब क्यों ऐसा हुआ, बीच में लोगों ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ले लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको बोलते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब सपोज करो अगर इसमें हम लोग इसमें हाइड्रोजन गैस को रख दिया जाए, मैं हाइड्रोजन गैस की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यही हमको डिटेल में पढ़ना है। अगर इसमें हमने बच्चों हाइड्रोजन गैस को रख दिया है, ठीक है, और इससे हम लोग जो है ये हमारे सूरज देवता हैं, इनकी लाइट को स्लिट से होते हुए इसके ऊपर डाला जाए, किसके ऊपर, इस सैंपल के ऊपर, तो क्या होगा बच्चों, ये हाइड्रोजन टूट जाएगा, टूट करके H और H, देखो धीरे धीरे मैं स्पेक्ट्रम कहाँ लेके आ रहा हूँ, एटम के ऊपर लेके आ रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग स्पेक्ट्रम को एटम के ऊपर लेके आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो एटम की कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्पेक्ट्रम पढ़ाने कोई उद्देश्य नहीं है, तो स्पेक्ट्रम इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, स्पेक्ट्रम पढ़ना हमारी मजबूरी है क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ज़्यादा शानदार तरीके समझाता है। ये बच्चों टूट गया, अब टूट गया उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो एटम्स हैं क्यों टूटा, इसको एनर्जी मिल रही है, ये जो एटम्स हैं ये इनमें से इन वेवलेंथ में से कुछ वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लिए। आई एम जस्ट प्लेसिंग हियर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, बट इट्स नॉट द केस कि सिर्फ हाइड्रोजन का ही होगा। बामर साहब जो कर रहे थे या रिडबर्ग साहब कर रहे थे वो तो एल्कली मेटल्स के ऊपर कर रहे थे, यस वो लोग एल्कली मेटल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बच्चों, तो इसके ऊपर डाला गया लाइट को, लाइट को डालने से ये कुछ वेवलेंथ को खा गया, अब्सॉर्ब कर गया, और उसके बाद जो वेवलेंथ बचे अभी जो आए उसको यहाँ फिर से सिलेक्ट रखो और उन वेवलेंथ को पास करो, उन वेवलेंथ को तोड़ दो अलग अलग में। कैसे तोड़ोगे भाई, चार भाई या पांचों पांडव एक साथ तोड़ो कैसे, युद्ध में जो धनुष चलाएगा धनुष वाले में आगे हो जाएगा, गदा चलाएगा गदा वाले में आगे, जो जिसमें निपुण होगा उसमें आगे चला जाएगा, उनकी करेक्टरिस्टिक के बिहाव पर। यहाँ करेक्टरिस्टिक क्या बच्चों, वेवलेंथ, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसमें रिफ्रैक्शन उसमें डेविएशन ज़्यादा हो जाएगा, यस। अब बच्चों क्या होगा, स्क्रीन पर हम लोग देखेंगे, यहाँ स्क्रीन पर वेवलेंथ अलग अलग रेंज में छिटक जाएंगी, ये वेवलेंथ अलग अलग रेंज में छिटक जाएंगी, सारी वेवलेंथ एक जगह नहीं मिलेंगी, और उनमें से बहुत गौर करने वाली बात ये है बच्चों कि मान लो ये जगह खाली रह गया, यहाँ कोई वेवलेंथ नहीं, ये खाली रह गया, ऐसे दो जगह खाली रह गया, वो क्यों खाली रह गया, उसके करेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ था उसको ये खा गया, कौन खा गया, हाइड्रोजन या जो भी इसके अंदर रखे हो, इसको बोलते हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बहुत गौर सुनो, साइंस में जो होता है वही बोलते हैं हम लोग, यहाँ हो क्या रहा है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एब्जॉर्ब कर जा रहे हैं, दे आर एब्जॉर्बिंग, ये एब्जॉर्ब्स कर, ये जो इसके अगर मैं कई मॉलिक्यूल्स की बात करूं बच्चों तो व्हाट वी विल से कि वो एब्जॉर्ब कर जा रहा है किसको, इसमें से कुछ वेवलेंथ को। क्या पाया गया बच्चों कि जो यहाँ मिसिंग वेवलेंथ है, इसको मैं बोलता हूँ मिसिंग। अब मिसिंग वेवलेंथ क्यों बोल रहे हैं, अगर ये नहीं रहा होता तो वो हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता, सारी वेवलेंस मिलती, इसके होने की वजह से कुछ वेवलेंथ गायब हो गया। मतलब हम खाना ऐसा ले जा रहे थे कोई नहीं रहा होता सारे आइटम रहा होते, और कुछ लोग थे बीच में इसलिए कुछ आइटम गायब हो गए, मतलब उन लोगों ने उस आइटम को खाया है, ओके। बहुत गौर समझना इस बात को मज़ेदार तरीके से, उन लोगों के बीच से कई खाने का आइटम गया, और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कई बार किए, मतलब आज गया कल भी गया परसों भी नरसों भी 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए, बार बार एक ही तरह के आइटम गायब हो जा रहे थे। मान लो खाने का बहुत सारा आइटम है, वो लोग हमेशा जलेबी ही गायब कर दे रहे हैं, जलेबी गायब कर दिए और रसमलाई गायब कर दिए, यू नो, तो आज भी जलेबी रसमलाई गायब हुआ, कल भी परसों भी नरसों भी, इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों का जो बीच में बैठे हैं उनका इंटरेस्ट जलेबी और रसमलाई में है,
इसका मतलब कुछ तो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो जलेबी रसमलाई को एक्सेप्ट कर रही हैं। बच्चों ये हाइड्रोजन या जो भी इसमें एलिमेंट रखते हैं हम लोग, इसमें जो मैं से एक पर्टिकुलर भी हाइड्रोजन की बात करता हूँ फिर इसको जनरलाइज करता हूँ। हमने हाइड्रोजन रखा है तो अब इससे हम लोग लाइट को जब पास करते हैं तो यहाँ जो भी मिसिंग वेवलेंथ हैं वो मिसिंग वेवलेंथ हमेशा वही पाई गई। ये एक्सपेरिमेंट को हजारों बार किया गया, सेम वेवलेंथ मिस कर रहा है, दूसरा मिस ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर, देखो एटम में आ गया, हाइड्रोजन के एटम के अंदर ऐसा कुछ है कि वो उसी वेवलेंथ को ले रहा है और किसी को ले ही नहीं रहा है। वाओ, मैंने यही तो कहा था कि स्पेक्ट्रम ये बोर साहब को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या है यार, ये क्या हो रहा है इसके अंदर। तो स्पेक्ट्रम यू नो बहुत बड़ी चीज़ है। बाय द वे अगर इसके अंदर दूसरा एलिमेंट रखते हैं बच्चों हम लोग, मान लो मैंने इसमें हीलियम रख दिया, नियोन रख दिया, कोई और या कोई और रख दिया, तो फिर दूसरा वेवलेंथ गायब हो रहा है। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग वेवलेंथ गायब हो रहे हैं, किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए सेम वेवलेंथ गायब हुए ही नहीं। ये वैसे ही जैसे हम लोग अंगूठे का निशान होता है, हर आदमी के फिंगरप्रिंट्स का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है, किसी का किसी से मैच नहीं करता। सिमिलरली यहाँ जो मिसिंग वेवलेंथ है बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, ये कैसे मिला समझ गए आप लोग, ये सभी के लिए अलग अलग पाया गया, हर एलिमेंट्स का अलग अलग पाया गया, सबका सेम नहीं पाया गया। मतलब इट्स यूनिक फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन एटम के अंदर कुछ बात तो है जो डिफरेंट है, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अब मजा आ रहा होगा। अब जब इसको बच्चों एनर्जी दिए, एनर्जी लिया, तो ये क्या हो रहा है, हीटिंग इसका हो रहा है, हीटिंग, इट्स अ वाइल्ड हीटिंग, इट्स गेट ऑन हीटेड, यस नो। ये इसमें हाइड्रोजन जो है गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया, एनर्जी बढ़ गई, और यू कैन से ये एक्साइटेड स्टेट में हो गया। एनर्जी ले करके वो एक्साइटेड स्टेट में हो गया बच्चों, ये एक्साइटेड स्टेट में हो गया। ओके, नाउ हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ये मैंने क्या बताया आपको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या बताया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ लेट सी अनदर वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, ओके। अब ये क्या होता है, जो अभी हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल था बच्चों, जिसको मैंने देखा तो एक्साइटेड हो गया था, क्यों, उसको एनर्जी मिली थी, उसको ऐसा क्यों हो रहा है इसको मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन मैं क्यों बताऊं, मैं तो जानता ही नहीं हूं, ये तो वैज्ञानिकों ने बताया है ना यार, ये कई लोगों ने रात दिन मेहनत करके बताया है, तो जब हिस्टोरिकली उसको पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है। बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू फॉर योर कॉन्फिडेंस, फॉर योर नॉलेज, यू नो। अब क्या हुआ, वो जो हमने बॉक्स में एटम लिए थे, कौन से यार, हाइड्रोजन के एटम्स हो गए थे, पहले तो मॉलिक्यूल था, एनर्जी मिली तो टूट गए, टूट क्या बन गए, हाइड्रोजन एटम। अब ये जैसे ये पेन है बच्चों, या मेरे हाथ में यू नो ये चाबी है, इस चाबी को अगर मैं ऐसे 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 आप देख रहे हो उछालूंगा, तो ऊपर उछला क्यों, मैंने इसको एनर्जी दिया इसलिए ऊपर उछला, देखो ऊपर उछल गया। ऊपर टिका क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर एनर्जी ज़्यादा है, एक्साइटेड स्टेट में कोई रहना नहीं चाहता, सब कोई वहाँ जाना चाहता जहाँ पे उसकी एनर्जी कम हो और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। ये ऊपर गया क्यों, अपने से नहीं गया भाई, मैंने इसको ऊपर भेजा भाई एनर्जी दे करके, गिर गया था यार ये ऊपर गया, मैंने इसको एनर्जी दिया तो ऊपर टिका क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर इसकी स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी ज़्यादा है, तो मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे आना चाहता है। वैसे ही ये जो एक्साइटेड स्टेट में एटम्स हैं बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में हैं ये, वहाँ पे टिके रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो फिर ये नीचे आएंगे। जैसे मैं फिर दिखाऊं आपको, देख रहे हो ना इसको, मैं जंप कराया ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, ऊपर गया एनर्जी लेके, जब नीचे आएगा तो एनर्जी निकालेगा। एनर्जी मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लाइन, समझ गए ना आप। तो ऊपर गया क्यों, मैंने एनर्जी दिया, लेकिन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी कम होगा, तो ये एनर्जी निकालेगा, एनर्जी निकलेगी वेवलेंथ के रूप में, लाइन के रूप में, फ्रिक्वेंसी के रूप में। तो बच्चों वो जो वेवलेंथ निकलेगी जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट मतलब धरती पर, ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट,
ग्राउंड स्टेट मतलब धरती पर, क्या धरती पर आ जाओ भाई, ग्राउंड पे आ जाओ, मिनिमम एनर्जी स्टेट बच्चों जब वहाँ पे आएगा और इसको हम लोग फिर से प्रिज्म से पास करेंगे तो फिर ये लाइट बेंड करेगी। जो पैटर्न हमको यहाँ पे मिलेगा बच्चों, यहाँ पर हमें एक पैटर्न मिलेगा, समझ रहे हो ना, ये लाइट गई, ये लाइट बेंड कर रही है, सारी बराबर बेंड तो करती नहीं है, हमें क्या मिलेगा, पैटर्न मिलेगा। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ये बात बहुत दिनों तक बच्चों को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, अरे यार इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की, ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों है, इट्स वेरी इजी, जो हो रहा वही नाम देना होता है ना। तो जैसा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों बच्चों, क्योंकि उसमें सनलाइट डाला गया तो वो लाइट को एब्जॉर्ब किया। अब भाई खा रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है, उल्टी कर रहा है तो एमिट कर रहा है, वोमिट नहीं एमिट यार, बट यहाँ वैसे ही सेम समझो आप। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम हुआ, और इसमें क्या हुआ, जो खाया था वही तो उल्टी करेगा यार, जो खाया था वही तो उल्टी करेगा। तो कहते हैं कि जो उसमें गायब थी वही इसमें मिलती हैं, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब थी वही एमिशन स्पेक्ट्रम में मिलती हैं। क्या दोनों से के ब्लूप्रिंट है, निगेटिव कॉपी है, मतलब निगेटिव पहले कैमरा से फोटो खिंचाया था ना, तो जहाँ गोरे होते थे वहाँ काला आया था, जहाँ काले होते वहाँ सफ़ेद आया था, कहते हैं वो निगेटिव है। यस नो, सिमिलरली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ गायब थी उसको क्या हुआ था, ये खा गया था, ये उनको खा गया था, कौन सा जो गायब थी वहाँ पर, वो गायब थी ही क्यों, क्योंकि ये खा गया था। ओके नाउ, अब फिर से जो खाया था उसको उलट रहा है ये, तो वो हमको मिलेंगे क्या, यहाँ हमको सारी वेवलेंथ नहीं मिलती, वही मिलती जिसको खाया था, तो यहाँ भी हमको बच्चा लोग, यहाँ भी हमको मिसिंग वेवलेंथ मिलेगा। ये सब कैसी वेवलेंथ हैं, ये सब मिसिंग वेवलेंथ हैं, यहाँ भी हमको मिसिंग वेवलेंथ मिलेगा। ओके, और ये वही वेवलेंथ मिलेंगे जो वेवलेंथ वहाँ गायब हुए थे। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम आर निगेटिव कॉपी ऑफ ईच अदर। और एक बहुत ही शानदार बात, बहुत ही शानदार बात, ये जो वेवलेंथ यहाँ मिली है ना, ये वही है जो वो खाया था। गौर सोचो, जो ये एटम है जिन जिन वेवलेंथ को लिया था, जिन जिन वेवलेंथ को एक्सेप्ट करके ऊपर गया था, वही वेवलेंथ यहाँ मिल रही हैं। और जानते हो ये हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है, सबके लिए सेम नहीं होता है, ये हर एलिमेंट का अपना यूनिक होता है, और इसका हम लोग यूज करते हैं एलिमेंट्स को पहचानने में। तो स्पेक्ट्रम की इस अध्ययन को मैंने क्या बताया, चलो फिर शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बच्चों। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसमें सारे मिल जाए, डिसकंटिन्यूअस में कुछ कुछ गायब हो, मिसिंग वेवलेंथ हो। डिसकंटिन्यूअस कब होता है, कंटिन्यूअस कब होता है, जब सोलर एनर्जी वैसे कुछ यूज करते हैं या सारी वेवलेंथ होती हैं। डिसकंटिन्यूअस कब होता है, अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब कोई एब्जॉर्ब कर ले, एमिशन मतलब जो खाया था उसको निकाल दे, तो जो खाया था उसको निकाल दे, जो वहाँ गायब थी वही यहां मिलेगी। तो बच्चों मैं ऐसा कह दूं आपको, मैं ऐसा कह दूं आपको कि अगर वो ध्यान समझना, अगर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और मैं यहां बनाऊं एमिशन स्पेक्ट्रम, और ये मेरा एमिशन स्पेक्ट्रम है। देखो ये जो, ये देखो ब्लैक, तो यहाँ पर जो मिली ये क्या है, वो जो गायब हुई हैं वही यहाँ मिलेंगी, वही यहाँ मिलेंगी। मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो है मिसिंग वेवलेंथ हैं, मिसिंग, ये जो है मिसिंग वेवलेंथ है बच्चों, जो यहाँ मिसिंग हुई थी वो यहाँ पे वो लाइट है, वही हमको वेवलेंथ मिली है, वही कलर हमको मिल रहा है। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम। इनको साइड बाय साइड रख के देखो आप, जो ये एब्जॉर्प्शन है, एमिशन है, जो यहाँ गायब हुआ था, मिसिंग था, वही यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ ये सब मिसिंग है, पूरा पूरा मिसिंग है। ठीक है, बात मेरी समझ आई। तो स्पेक्ट्रम यूनिक होते हैं राइट, हर एलिमेंट के लिए, लिख सकते हो आप लोग कि एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर यूनिक फॉर एन एलिमेंट, सो दीज आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसको हम लोग एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, इससे एलिमेंट्स की पहचान होती है। तो बच्चों एक महान विद्वान केमिस्ट्री में रहे, जर्मनी के
रॉबर्ट बंसन साहब, रॉबर्ट बंसन साहब ने इसका यूज किया, क्योंकि जैसे मान लो किसी कोई सामान खोया हो या जैसे कहीं चोरी वोरी हो जाती है तो फिंगरप्रिंट से मिल जाते हैं। अब चोर नहीं बोल सकता, अगर उसकी उंगली का निशान मिल रहा है तो नहीं बोल सकता कि इसे डीएनए होता है। आपके बाल में भी डीएनए होता है कि आप कहीं चोरी करने जाइए, आप अपने बाल बांध के रखिए, बाल गिर गया तो पकड़े जाएंगे, क्यों? वो बाल में डीएनए होता है, वो यूनिक होता है, राइट। सो कई ऐसे केसेस हुए बच्चों, एक पॉलिटिकली एक नेताजी हैं, वो मानने से इनकार कर दी थी कि ये मेरा बेटा है, हैं डीएनए टेस्ट हुआ तो उनका डीएनए मैच कर गया, तो माफ़ी मांगे कोर्ट में और कहे एक्सेप्ट कर लिए, करना ही पड़ेगा। तो इससे यूनिक यू नो उसको आप एक नहीं मना कर सकते। अब मान लो हम लोग मंगल ग्रह पर गए, वहाँ हमें नए एलिमेंट दिखाई पड़े, हमको पता नहीं चल पा रहा एलिमेंट कौन सा है, हमने क्या किया उसका एमिशन स्पेक्ट्रम बनाया। क्या बनाया? एमिशन स्पेक्ट्रम। हमारे पास जितने एलिमेंट हैं उन समों से मिलाया, मैच कराया, तो इमिशन स्पेक्ट्रम में एक वेवलेंथ नहीं होता है, बहुत सारा वेवलेंथ होता है। अगर सारा मैच कर गया, जिससे मैच किया वो वहाँ पर होगा, जैसे चंद्रमा पर, चंद्रमा पर मान लो हीलियम से मैच कर गया तो चंद्रमा पर हीलियम है। अगर किसी से नहीं मैच किया, वाओ, तो एक नया एलिमेंट आ गया, एक नए एलिमेंट की खोज हो गई। तो रॉबर्ट बंसन साहब ने, जो जर्मनी के थे, 1811 से 1899 तक इस टाइम में रहे वो, तो उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के खोज के लिए इसको यूज किया बच्चों, है ना, इस तरीके को। और इस पूरे अध्ययन को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया उन्होंने, रॉबर्ट बंसन साहब ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया, हीलियम खोजा, नियोन खोजा, सीजियम खोजा, नियोन सीजियम खोजा, ऐसे बहुत सारे नो एलिमेंट्स को उन्होंने खोजा। और ये एक नई टेक्निक शुरुआत हो गई कि कैसे एलिमेंट्स का खोज किया जाए, क्यों? कि सभी के लिए यूनिक है। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, कितना इंटरेस्टिंग है ना, जब आप बड़े हो जाओगे, ये आपको छोटी चीज़ लग रही है क्या? बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी ग्रह पे जाते तो सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ के एटमोसफियर में, और वहाँ क्रस्ट पे क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी सतह पर क्या क्या चीज़ें हैं, हम उसके एलिमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, तो कैसे जाने किस चीज़ से बना हुआ है वो? तो कई बार खाते पता नहीं चलता किस से बना हुआ है, तो उसे कैसे जाने? ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जानते हैं, क्योंकि सबका यूनिक है, किसी की से मैच नहीं करता। अगर किसी से नहीं मैच कर रहा है, मतलब नए एलिमेंट की खोज हो गई है, समझ गए आप लोग? तो बच्चों ये स्पेक्ट्रम को फिर से पैटर्न के आधार पर, ये जो हमको मिलता है अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको दो भागों में बांटते हैं, पैटर्न नहीं, सोर्स के आधार पे, किसका स्पेक्ट्रम लिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स किसका स्पेक्ट्रम लिया गया, इस आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन या इसको बोलते हैं बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दूसरे को बोलते हैं हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। सो स्पेक्ट्रम बच्चों दो टाइप का हुआ, लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर जिस चीज़ का हम स्पेक्ट्रम कर रहे हैं उसमें एटम्स हैं, क्या है बच्चों? एटम्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। मैं वन बाई वन समझाता हूँ आपको। जिस चीज़ का अगर हम स्पेक्ट्रम कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, तो अगर इसमें जिस मतलब जो हमने गैस भरा है वो एटम है बच्चों, हाइड्रोजन 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 ऐसे एटम है, और उसका स्पेक्ट्रम ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ हमको लाइन्स मिलती हैं, फाइन लाइन्स मिलती हैं, इंडिविजुअल वेवलेंथ मिलता है, तो हमको यहाँ पर फाइन लाइन्स मिलती हैं। ये लाइन मतलब वेवलेंथ, लाइन मतलब फ्रिक्वेंसी, लाइन मतलब एनर्जी। अब इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, अभी यहाँ काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग कनेक्ट तो हो गए होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो खाना उधर से जा रहा है और एक पर्टिकुलर तरह चाइना वाले होंगे, चाइना वाला पूरा चमगादड़ वगैरह खा जाएंगे, जहाँ हम ले गए चमगादड़ वगैरह खा गया, समझ जाएंगे चाइनीज वा उधर है, उधर से ले गए और लोग आम खा गए, लोग पपीता खा गए, लोग रोटियां खा गए, पराठे खा गए, भारतीय इंडिया वाले इधर होंगे, यस नो? तो यू नो और बार बार वही खा रहे हैं ना, बार बार हजार बार वही खा रहा है, मतलब उसका टेस्ट है, उसके अंदर फ्लेवर उस चीज़ का, उस एटम से बार बार वही वेवलेंथ मिल रही है, मतलब कुछ तो बात है, उसमें एनर्जी वही क्यों ले रही है? वी विल स्टडी अबाउट इट। बैंड स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों?
अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे जिस काम कर रहे हैं उसे मॉलिक्यूल हो, मतलब CO2 हो मॉलिक्यूल, या कोई और मॉलिक्यूल मीथेन हो या ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो, तो वहाँ जो हमको स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन नहीं मिलता, ऐसे ऐसे बैंड मिलता है, ऐसे बैंड मिला। और चूंकि हम लोग डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो मिसिंग वेवलेंथ तो होगा बच्चों। ये काला वाला क्या है? मिसिंग वेवलेंथ। तो जो ये जानते हो क्यों, इसमें बहुत सारी वेवलेंथ है, बहुत सारी, ये बैंड, यू नो व्हाई वी आर हैविंग हियर बैंड, ये बैंड है बच्चों। बैंड बैंड क्या होता है? बहुत सारी पतली पतली वेवलेंथ एक साथ मिक्सअप कर गई हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत पास पास है, बहुत सारी पतली पतली वेवलेंथ। व्हाट आई मीन बाई पतली पतली वेवलेंथ? फाइन वेवलेंथ, मतलब ये हुआ कि उन वेवलेंथ की वैल्यू में बहुत कम का अंतर है। मतलब ये हुआ कि अगर एक का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है तो दूसरे का वेवलेंथ बच्चों 400.2 नैनोमीटर है। तो इतना फाइन है कि इनको हम अलग नहीं कर सकते, उनकी एनर्जी बहुत पास पास है। ऐसा क्यों, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसा जब मिलता है बच्चों, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम। और इसका यूज करते हैं हम लोग ये एलिमेंट्स को, एटम्स को पहचानने में। मेरी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? पहले तो बताया आपको कि लाइट का सबसे पहले वेव मानते थे न्यूटन साहब ने, कोपासेल पार्टिकल बताया, फिर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैक्सवेल साहब, फिर पार्टिकल और फिर ड्यूअल की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली थियोरेटिकली अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं बताया कि बोर मॉडल देने के लिए स्पेक्ट्रम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। स्पेक्ट्रम बताता है अंदर क्या चीज़ है। आप हमेशा जो काम करते हो तो आपके अंदर वो चीज़ है, आप बाद में गुस्सा हो जाते हो, मतलब आपके अंदर गुस्सा है, गुस्सा बाहर नहीं है, आपके अंदर है। आप कहीं जाते हो टॉप कर जाते हो, मतलब आपके अंदर वो टैलेंट है, डिसिप्लिन है, यू नो। तो आपके अंदर गुणों को जानने के लिए लाइट को डाला गया और स्पेक्ट्रम मिला, उससे हम लोग उस बात को समझना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों? सो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करिए और शेयर करिए, कम से कम 5 लोगों का भला करिए। मैं 1-2 क्लास में बोर्स थ्योरी को पढ़ा दूंगा, बोर्स से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और आप मजे लेने के लिए तैयार हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।